नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। उत्तर पूर्व में स्थित यह जगह पहले कृष्णा कुंज के नाम से जानी जाती थी। 14 जनवरी 1990 को पूर्णिया जिले से अलग हो खुद जिले के रूप में अस्तित्व में आए किशनगंज जिले में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्रमुख स्थलों को। सबसे पहले हम बात करेंगे खगरा मेला की। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में मनाए जाने वाले इस मेले की शुरुआत 1950 में स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने की थी। पहले ये कृषि मेले के रूप में शुरू हुआ, बाद में यह खगरा मेले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इस मेले की तुलना दुनिया में प्रसिद्ध सोनपुर मेले से की जाती थी। मेले के समय हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने यहां आते हैं। दूसरा है नेहरू शांति पार्क। अगर आप किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास में हैं और आपके पास समय थोड़ा ज्यादा है तो आप वहां से 1 किलोमीटर दूर नेहरू शांति पार्क जा सकते हैं। पार्क में झरने, तालाब और खूबसूरत पेड़ पौधे, फूलों के साथ एक गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे देखने के लिए लोग आज भी वहां जाते हैं। अगला है हरगौरी मंदिर। यह मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में स्थित है। 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इनका नाम ठाकुर गंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल में भग्नावशेष की खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला जो 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में माँ पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिला है। वहीं दूसरे दिन ही वापस आ गए और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना की। हरगौरी में भक्तों की इतनी आस्था है कि नेपाल, बंगाल संग अन्य प्रदेशों के लोग सावन महीने में हरगौरी मंदिर में आते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण कछुह दाह झील की। पिकनिक स्पॉट के नाम से मशहूर यह झील पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं जिससे यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। किशनगंज मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस जगह पर नव वर्ष के मौके पर स्थानीय पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। इसके अलावा आप अन्य गंतव्यों में चुरली का किला देख सकते हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ यहां की शान थी। इसे इस रियासत के जमींदार कुंदन लाल सिंह ने बनवाया था। उनके इस हवेली को देखने दूर दूर से आज भी आया करते हैं। फिर आप रुई धासा खनकाह और कदम रसूल मजार जा सकते हैं। यह मुस्लिम आबादी के लिए प्रमुख धर्म स्थल है। अगर आप और भी जगह जाना चाहते हैं तो आप औद्रा घाट, पानीसाल भी जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप रेल और सड़क मार्ग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में हमने आज आपको किशनगंज जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।